कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो आज दिन है संडे का और 22वां रमज़ान आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और अब टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5 और हम जा रहे हैं मार्केट। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था, कल वाले व्लॉग में, कि आज मुझे जाना है मार्केट। तो मैं जा रही हूँ दरियागंज, अल्फिया जा रही है मेरे, इनायत जा रही है मेरे साथ और अन्नू जा रहे हैं। तो अब बस हम चलेंगे दरियागंज और आज इफ्तार हमारा दरियागंज में ही होगा और बस कुछ खाने का सामान ले लेंगे और फिर वहाँ पर रोज़ा तैयार करके फिर मार्केट करेंगे। कोशिश रहेगी जल्द से जल्द घर वापस आने की। आज का रोज़ा जो है ना मेरा थोड़ा सा ऐसी गया है, ऐसी इन द सेंस के मतलब थोड़ा डाउन सा गया है। वो तो खैर था अल्लाह का कि मुझे बाहर कहीं नहीं जाना था, इनायत को स्कूल लेने भी नहीं जाना था। तो बस कोशिश मेरी पूरी है कि लगभग अब मेरे रोज़े ना छूटे, जो छूट गए वो छूट गए, अब ना छूटे। तो बाकी आगे हिम्मत अल्लाह दिलाएगा और देखते हैं बच्चों के क्या कपड़े आते क्या नहीं। और बस मैं अल्लाह ताला से, अभी मैंने नमाज़ पढ़ी ना तो मैंने एक दुआ मांगी कि लगभग जितना मेरा बजट है ना उस बजट में बच्चों के कपड़े आ जाएँ और मेरा सारा सामान आ जाए, क्योंकि हर एक बजट सेट करना पड़ता है हम मिडिल क्लास वाइफ को। और एक बार तो किसी ने बोलता है आप तो मिडिल क्लास नहीं हो, आप तो पुअर क्लास हो। जी हाँ, हम पुअर क्लास हैं, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से खाने को अच्छा खाना मिल जाता है, रोटी सब्ज़ी अच्छे से चल रही है, रहने को अल्लाह ताला ने छत दे रखी है, पहनने को तन पे कपड़ा दे रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ उस मालिक का किसने हमें इतना नवाजा। कई कई लोग ऐसे हैं जिनको ईद की भी उम्मीद नहीं है कि ईद पे उनके कपड़े बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की खैर बरकत से और सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमारे हस्बैंड ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे अच्छा ही पहनाया है और मेरे बच्चों को भी अच्छा ही कराया है। तो अल्लाह पाक उनकी कमाई में बरकत दे, उनको हिम्मत और ताकत दे कि वो ऐसे ही हमेशा हम लोगों के लिए करते रहें। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए और जिनके पास नहीं है अल्लाह ताला तो उनको भी दे। सबके अरमान होते हैं, सब रोज़ेदार होते हैं, उनको भी अरमान होता है कि उनकी भी ईद की शॉपिंग हो। तो चलो चलते हैं हम ईद की शॉपिंग करने के लिए। अनुबा जी आ चुकी हैं, आयजा नहीं है? अच्छा जी, हम बैठ चुके हैं ऑटो में और ऑलमोस्ट हमारा दरियागंज जाने ही वाला है, बस एक स्टेप बाकी है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं दरियागंज और अपनी मार्केटिंग स्टार्ट हमने कर दी है। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा था कि शायद मुझे अच्छे से कर्टन्स मिल जाएंगे, बट अभी नहीं मुझे दिखे हैं, थोड़ा सा तो हमें और चलना पड़ेगा। इतना सुंदर लग रहा है ना, रात में और अच्छा अभी होने वाला है बस। बड़े भाई दिखा दो अनु, ऐसे नहीं तो ऐसे वाला तो डिलीट करो उसको। तो जी फाइनली हमें इनायत के लिए यहाँ पर कपड़े मिले। इस शोरूम का नाम है अल इबाद। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी थी और काफ़ी अच्छे इनके कपड़े थे, तो मुझे पसंद आए। पहले मैं सिटी क्रेज़ी से लेती थी, फिर मैंने दूसरी शॉप से लेना स्टार्ट किया, अब मैंने ये वाला शोरूम स्टार्ट किया है। तो मुझे पसंद आया और वैरायटी बहुत अच्छी। और भैया मेरी इनायत के जहाँ से मिल गए ना, मेरे लिए वो शोरूम सबसे बेस्ट है, क्योंकि इनायत के हिसाब से कपड़े मिलना थोड़े से मुश्किल होते हैं। जिस हिसाब से मेरी थिंकिंग होती है कि ना कि उसके बेस्ट हो, तो काफ़ी मुश्किल आ जाता है। अरे कहीं तो जगह मिल जाएगी, वो रेस्टोरेंट में देख लेंगे, कोई रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आए हैं, फाइनली इनायत का तो मिल गया है हमें, लेकिन अब अल्फिया का देख रहे हैं। और सबके ड्रेसेस मैं घर पे जाके आपको दिखाऊँगी, अभी अल्फिया के चेक कर रहे हैं। हाँ ये अल्फिया को तो आ जाएगा, तो आ जाएगा। अल्फिया का बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन मिला है, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। ये
आशीष आपके लिए देख लो कितने चक्कर काटने पड़ रहे, खुद नहीं आ सकते, मेरे को ही लाने तो अब हमारी शॉपिंग चल रही है कर्टन्स की और बेडशीट की। ये छोटा साइज है, मैंने आपसे बोला ना कि आप मुझे फुल किंग साइज दिखाओ, ये वाला दिखाओ, ये वाला, ये वाला ना ना ना, इससे नीचे वाला, ये हाँ नहीं 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 मतलब ये फुल साइज नहीं है, फुल साइज है, हॉर्स बने में दिखाओ, हॉर्स में, अरे हॉर्स दिखा दो यार, क्या हो गया, तो हॉर्स देखिए। तो जी फाइनली फाइनली हम आ चुके हैं घर पे और थकान इतनी शदीद हो रखी है ना मेरे से, ना हालत बहुत टाइट हो गई है। आज की जो शॉपिंग है ना, मैं आपको बताऊं कि बहुत थक गई थी, आज का रोज़ा मुझे बहुत लगा, मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही थी आज कुछ करने की, बट ये था कि अब टाइम बहुत कम रह गया है, उस वजह से हमें आज शॉपिंग पे जाना पड़ा, भागना पड़ा। शॉपिंग में आपको जो दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मेरी अभी एक दो चीज़ें और रहती हैं। जब मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊं तो प्रॉपर मेरी सारी चीज़ें हो जाएँ, उसके बाद आपको देखने में मज़ा आए, मुझे दिखाने में मज़ा आए, तो इसलिए मैंने अभी तक आपको शॉपिंग शेयर नहीं करी है। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी करूँगी, कल है मंडे तो अचानिकेतन में भी मुझे जाना है, दो तीन चीज़ें मेरी रह गई थी जो मुझे वहाँ से नहीं मिली हैं दरियागंज से, तो मैं अचानिकेतन से लेकर आऊँगी। और बैंगल्स वगैरह भी नहीं लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि इनायत के साइज़ की नहीं मिली, अल्फू के साइज़ की नहीं मिली, तो फिर मैंने सोचा चलो पहले मैं यहीं पे देख लेती हूँ। मुझे यहाँ की बैंगल्स, अपने एरिया की बैंगल्स सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि वो मेरे हिसाब से होती हैं, जैसे भी होती हैं मुझे पसंद है अपने तरीके से, मैं उन्हें सेट बनवा लेती हूँ। तो बट आज दरियागंज में वाकई में बहुत थक गए, और आज हमारे साथ ऐसा हुआ, हम लोग असर के टाइम पे निकल गए थे, तो वहाँ पर शॉपकीपर्स जो थे ना, एक सेकेंड, शॉपकीपर्स जो थे वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि भाई उनका भी रोज़ा था, तो वो ज़्यादा बार्गनिंग या कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, तो जो है ठीक है, इतना ही महंगाई तो बात जानते हैं, सर चढ़ चुकी है, इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है हर चीज़ कि बस पूछो ही मत। तो उसके बाद उन लोगों ने, हम लोगों ने अनायत और अल्फिया के ड्रेसेस लिए थे शोरूम से, उसके बाद उन्होंने किसी और को, वो हम लकी थे जो हमें अंदर आने दिया, और किसी को उन्होंने अंदर ही नहीं आने दिया, उन्होंने कहा ये लास्ट हमारे कस्टमर, उसके बाद आप सब आइएगा मगरिब की नमाज़ के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद उन्होंने कम से कम 6-7 कस्टमर अपने वापस कर दिए और हमें अंदर रख लिया था। फिर हमें भी रोज़ा अफ्तार करा, तो उन्होंने हमसे बहुत कहा कि आप यहीं पे रोज़ा खोलिए, बट फिर मैंने कहा नहीं, हम लोग बाहर जाके अपना रोज़ा अफ्तार करेंगे। जामा मस्जिद नहीं गए थे हम लोगों ने, वहीं से फिर जंक फूड्स वगैरह ले गए थे, ये बर्गर चाउमीन वगैरह थी, बर्गर जैसे मैं आपको पैक करवा रही थी, आपने देखा भी होगा, तो बर्गर्स पैक करवाए थे, चाउमीन पैक करवाई थी, और फिर हमने जूस वगैरह वहीं से ले लिया था, तो वहाँ पर हमने कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के अपना रोज़ा अफ्तार कर लिया था। बट रोज़ा अफ्तार के बाद फिर हिम्मत नहीं होती चलने की, बहुत ज़्यादा थक गई थी चलते 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 चलते। तो आज इनायत के भी होश उठ चुके हैं, इनायत को मैंने सुला दिया क्योंकि सुबह है उसका स्कूल, और इनायत ने प्रॉमिस कराई हुई वो 10 बजे से पहले सो जाएगी, तो इनायत सोने के लिए लिटा दिया मैंने उसको, नहा धुला के मैं भी नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ, अपने नाइट सूट में आ चुकी हूँ, और देखो मेरे को नाइट सूट भी लेना, मतलब एक टी शर्ट अपने लिए भी लेनी थी, वो भी मैं भूल गई, चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह फिर जाएंगे तो ले लेंगे। ऐसा होता है हमारे साथ कि मैं मार्केट ना ऐसे नहीं जाती हूँ, आम दिनों में ना ऐवें ही घूमती रहो या कुछ करती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती ना, ज़रूरत के टाइम पे ही मैं निकलती हूँ और ज़रूरत की चीज़ें ही लेकर आती हूँ। तो बस ज़रूरत की चीज़ें जो भी थी अल्हम्दुलिल्लाह सब आ गई हैं, थोड़ी चीज़ें रहती हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएंगी, जो भी मेरी सारी तैयारी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कल मंडे तक पूरी कर लूँ, मंडे को नहीं पकड़ पाई तो ट्यूसडे का इंशाल्लाह है ही है, पूरी करूँगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, दरियागंज की मार्केट आपने देखी थी, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही थी, कितनी अच्छी लाइटिंग वगैरह थी, सब कुछ अच्छा था। अनु ने काफ़ी वीडियो शूट कराया मेरा, क्योंकि मैं तो व्यस्त थी सामान लेने में, और गप्पू की भी हम ड्रेसेस लेकर आए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अपने भी सूट शेयर करूँगी कि मैंने क्या सूट बनवाया है ईद पर, मुझे क्या मैंने ख़रीदा है, आशीष जी के भी, तो सब की शॉपिंग इंशाल्लाह तब करूँगी शेयर। तो बस यहीं तक अपना वीडियो मैं एंड करूँगी, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। और मुझे आज एक शिकायत है, मैं पता कल बता के गई थी कि मैं दरियागंज जाऊँगी और मेरा कोई भी सब्सक्राइबर दरियागंज का वहाँ नहीं आया मेरे से मिलने के लिए, आए इन दिनों में तो अफसोस, जल्दी आ गए,
और दिनों में तो मिल भी जाते बिना बताए। इनायत देखो पापा आ गए बेटा, सासू जी आ गए हैं घर पे आज जल्दी और बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आए क्योंकि कल हमारे फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे। तो पापा लेकर आए हैं, आपको क्या लेकर आए पापा? बहुत सारे फ्रूट्स। और आपको का मम्मा क्या लेकर आई हैं? हाँ बताना नहीं है, बस बता दो ड्रेस लाई है आज। ड्रेस अभी नहीं बताना मैं क्या क्या लाई हूँ। तो हाँ मैं ये बता रही, मेरा आज कोई सब्सक्राइबर ही नहीं मिला मुझे। हाँ वैसे तो मुझे मिलते रहते हैं, जब मैं बिना बताए जाती हूँ तो मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर मिलते हैं। और कल तो मैं बता के गई थी, आज तो मैं बता के गई थी, या फिर ये कलो रोज़े रमज़ान है तो आप लोगों की क्यों वो नहीं है इतने सारे। पपाया बनाना तरबूज, तरबूज सब आ चुका है फलों में। तो बस चलो कोई बात नहीं, अभी हमारे नसीब में नहीं था किसी से मिलना। रेशमा जी आप भी नहीं आई हो ना, आप तो आ जाती हो हर जगह पे, मेरे को मिल जाती हो दरियागंज में, आप भी नहीं मिली इस बार तो आज मुझे। तो मे भी शायद मेरी टाइमिंग से नहीं होगी रोज़े के बाद, आप लोग रोज़े के अफ्तार के बाद शायद शॉपिंग के लिए निकलते हो, हम लोग पहले निकल गए थे अफ्तार के बाद, तो हमें रिटर्न ही आना था क्योंकि हमने फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, चीज़ें खरीदते गए और फिर घर वापस आ गए क्योंकि मैं और अन्नू ही गए थे, मम्मी गई नहीं थी तो इसलिए बच्चे छोड़ के गए थे। तो चलो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करूँगी। इंशाल्लाह आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आए तो बहुत ढेर सारा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। इनायत कहाँ पड़ी है? और इनायत के पापा अभी। चलो जी हम रखते हैं, बाय बाय।